हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये जो वीडियो है ये परवीन ज्योति के ऊपर नहीं है, क्योंकि परवीन ज्योति का मैटर भी आपको पता है बहुत लंबा खिंच चुका है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आया है। ये जो आज की वीडियो है वो एक ऐसी लेडीज़ के लिए है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उसको इस टाइम हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा बोलती हूँ कि चाहे हमारा पति कैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, कैसा भी है, लेकिन जब तक हमारा पति हमारे साथ है ना, हम उसके साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, तब तक हमारी हर जगह इज्जत होती है, ससुराल में भी और मायके में भी। लेकिन जिस दिन हस्बैंड चला जाता है ना, उस दिन हमारी ऐसी दुर्गति हो जाती है ना, तो ससुराल के तो होते ही नहीं है और मायके वाले भी कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद मायके वालों के भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इज्जत बेइज्जती मान सम्मान जो होता है ना, वो पति से ही होता है और पति के घर पर रहने से ही मिलता है। तो ये जो लेडीज है ये अमृतसर से बिलोंग करती हैं और इनका चैनल का नेम है अमृतसर शशि वर्मा ब्लॉग। मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनको हम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बता देती हूँ, ये इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है इनकी 9 साल की और एक बेटा है 6 साल का। अब से 40 दिन पहले जो इनके हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इनके हस्बैंड की डेथ हुई, जैसे उन्होंने बताया है कि एक बीमारी के चलते हुई है। स्टार्टिंग उनके पैरों के दर्द से हुई थी, पैरों के दर्द से टाइफाइड मलेरिया ये सब कुछ चलता रहा, और कुछ टाइम के बाद उनका बीपी इतना हाई हो गया था, 230 हो गया था। तो उस बीपी की हाई की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है, इन बच्चों के साथ नहीं है। हमेशा बोलती हूँ मैं कि बच्चे की जो परवरिश होती है ना, वो ना तो अकेला माँ कर सकती है अच्छे से, और ना ही अकेला बाप कर सकता है। माँ तो फिर भी कर लेती है 1%, लेकिन बाप से नहीं हो पाती है। असल में तो जब ये बच्चे बनाए हैं तो इनको दोनों की जरूरत पड़ती है, माँ की भी और बाप के प्यार की भी और माँ के प्यार की भी, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्यार की अलग अलग वैल्यू होती है। तो लेकिन आज इन बच्चों के पास माँ तो है लेकिन बाप नहीं है। और आपको पता है कि जब पति चला जाता है ना, या पति हमारी लाइफ में नहीं रहता, तो उसके बाद ना कुछ दिन तो सब लोग सहानुभूति दिखाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम साथ दे देंगे, हम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस तरफ कि उन्हें खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, कोई भी बंदा साथ नहीं देता है। सिर्फ अकेले रहकर ही अपने बच्चों को पालना पड़ता है और अकेले रहकर ही अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी बोलूँगी कि सलूट है इन दीदी को, कि इनके ये 1.5 महीना से 40 दिन हो गए इनके हस्बैंड को, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को पाल रही हैं और चाहती हैं कि उनको एक अच्छी परवरिश मिले, अच्छी लाइफ मिले, उसके लिए वो मेहनत करना भी चाहती हैं। YouTube एक ऐसा मंच है जिस पर बंदा आ तो जाता है, लेकिन सफलता मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से या एक लाइक करने से हमारा कुछ जाता नहीं है, हमारे पास कोई पैसे नहीं जा रहे हैं या हमारे पास से कुछ हमारा खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का और अगले बंदे के पता आपको नहीं पता कि आपके एक सब्सक्राइब के बटन दबाने से अगले बंदे के चेहरे पर कितनी मुस्कान जाती है, अगला बंदा कितना खुश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया, उसको पता नहीं क्या मिल गया। और आपका क्या, सिर्फ एक बटन दबाना होता है आपको, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इन सिस्टर को सपोर्ट करें, इन्हें मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर ये लाइफ में कुछ, हम ऐसे लोग ऐसी वीडियो भी देखते हैं ना कि जैसे ज्योति वाला मैटर देख लो, ज्योति ने बच्चों को छोड़ के चली गई, परवीन अकेले पाल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी लेडीज है जो खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है, किसी के ऊपर निर्भर रहना चाहती है, अपने बच्चों का जो खर्चा पानी है, अपने बच्चों की जो भी परवरिश है वो अपने अपने दम पर रह करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि हमें इन सिस को सपोर्ट करना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चों को भी नहीं पता, बेटी तो फिर भी थोड़ा पता है, लेकिन बेटे को नहीं पता कि पापा थे, कहाँ थे, क्या हो गया, कहाँ चला गया। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि मम्मी बिंदी नहीं लगाती हैं, मम्मी सिंदूर नहीं लगाती हैं। जहाँ तक कि उस बच्चे ने अपनी माँ की ऐसी हालत देख कर यहाँ तक बोल दिया कि मम्मी मैं आपसे शादी करूँगा, उसको ये नहीं पता शादी करना क्या होता है।
उसको तो ये पता है कि मम्मी अब पहले बिंदी लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, जो अब नहीं लगाती है, क्यों नहीं लगाती है, शायद पापा नहीं है इसलिए नहीं लगाती है, तो मम्मी मैं आपसे शादी कर लूंगा फिर आप ये सब कुछ लगाना। तो देखो उस औरत के जी पे क्या बीती होगी, क्या उसको फील हुआ होगा कि छोटे छोटे बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके पापा इस दुनिया में चले गए हैं और वो कभी नहीं आएंगे, सिंदूर बिंदी नहीं लगा रही हूँ सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि आप, अगर वो एक कदम बढ़ा रही हैं तो हमें दो कदम बढ़ाकर उनका साथ देना चाहिए। अगर किसी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। किसी को सपोर्ट करने से कुछ घिसता नहीं है हमारा। मैं फिर बोलती हूँ सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं प्लीज़ आप इस बहन को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें। अगर आप इनकी वीडियो को शेयर भी आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, फिर भी चाहूंगी कि आप इनकी वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये लाइफ में कुछ अचीव कर पाएं, किसी के आगे ना झुकें और इन्हें किसी के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े कि अपनी लाइफ में इतना कमा ले। अगर ये कुछ करना चाहती हैं तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो इनके चैनल का नाम मैं फिर बता देती हूँ एक बार, इनके चैनल का नाम है अमृतसर शशि वर्मा, ये अमृतसर से ही बिलोंग करती हैं और मैं इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लीज़ जाइए इनके चैनल पर, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इनकी वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इनकी हेल्प में वीडियो बना सकते हैं, जो कि इन्हें इस टाइम हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी और बहन को हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बता सकती है, कमेंट बॉक्स में मैं उसकी हेल्प के लिए भी वीडियो बना दूंगी। क्योंकि जो आदमी जेन्युइन प्रॉब्लम में है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हमारी हेल्प से कुछ उसकी चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, तो मुझे लगता है कि हमें वो हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि उस हेल्प करने से पता नहीं तुम एक हेल्प करोगे, भगवान पीछे से तुम्हारी कितनी हेल्प कर देगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।